वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अजीम कुमार मंडल एज अ फिजिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग वन मोर टाइम चैप्टर नंबर 3, करेंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द यूनिट नंबर 2, क्लास 12 फिजिक्स। टुडेज टॉपिक द एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल बाय यूज ऑफ पोटेंटोमीटर। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ठीक है? दिस क्वेश्चन मार्किंग 4 to 5 मार्क्स। डिस्क्राइब एंड एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द सेल? सेल दैट मीन्स अ एक्सपेरिमेंटल सेल बाय यूज ऑफ पोटेंटोमीटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट वन सर्किट डायग्राम, सेकेंड वन डेरिवेशन, थर्ड वन ऑब्जर्वेशन टेबल एंड फोर्थ वन एनी टू प्रीक्वेशन, दैट मीन्स अ प्रीक्वेशन। स्टूडेंट, हियर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर। कंपेयर दैट मीन्स अ डिविजन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई वन बाय ई टू बाय यूज ऑफ पोटेंटोमीटर। व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंटोमीटर? पोटेंटोमीटर इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स। फर्स्ट वन पोटेंटोमीटर वायर, सेकेंड वन लीड एक्यूमुलेटर, दैट मीन्स अ एक्सटर्नल बैटरी, देन आफ्टर एनी की, देन आफ्टर रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, नाउ आई इंट्रोड्यूस द पोटेंटोमीटर। फर्स्टली पोटेंटोमीटर, इन द केस ऑफ पोटेंटोमीटर वी यूज आर फोर थिंग्स। फर्स्ट वन ए बी इज अ, व्हाट इज द मीन ऑफ द ए बी? स्टूडेंट, हियर ए बी इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ए बी इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच नोन एज पोटेंटोमीटर वायर। द लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वाई सर? Why I told 100 सेंटीमीटर? That is a experiment। अगर जो आप प्रैक्टिकल, ठीक है, लेब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर एक मीटर स्केल होती है। इन द केस ऑफ पोटेंटोमीटर वी यूज अ मीटर स्केल। द लेंथ ऑफ मीटर स्केल विल बी इक्वल ऑफ 1 मीटर एंड डिवाइड इन टू द फॉर्म ऑफ द सेंटीमीटर। सो 1 मीटर विल बी इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर। इन द केस ऑफ द पोटेंटोमीटर वी यूज अ एनी एक्सटर्नल बैटरी which known as lead accumulator। What is the mean of the lead accumulator? The electromotive force is maximum। In the case of the lead accumulator, the EMF of cell will be maximum। Student, then after we used a simple key, which type of key? One way key, that means a capital K, and here in the series form we used a resistance। What is the mean of the resistance? That means constant value of resistance are known as, sorry, variable value of resistance are known as the resistance। मैंने कल भी आपको बताया था, जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा था, हमने जब पोटेंटोमीटर को स्टडी करा था, हमने दो बातों पे फोकस करा। फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन इज द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस दैट मींस अ कांस्टेंट वैल्यू, रेजिस्टेंस दैट मींस अ वेरिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो दीज फिनोमिना आर नोन एज पोटेंटोमीटर। दीज फिनोमिना आर नोन एज पोटेंटोमीटर। पोटेंटोमीटर दैट मींस अ मशीन विच कंसिस्ट पोटेंटोमीटर वायर, दैट मीन्स अ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर विल बी इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर, एंड लीड एक्यूमुलेटर दैट मीन्स अ एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल बैटरी, एंड वन वे की, के दैट मीन्स अ वन वे की, एंड आर एच दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल। हाउ मेनी सेल्स आर देयर? टू सेल, दैट मीन्स वी नीड टू जॉइन टू सेल। फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग अ फर्स्ट सेल एंड वी टेकिंग द अनादर सेल। लेट वी कंसिडर ई वन एंड ई टू, लेट वी कंसिडर ई वन एंड ई टू बोथ आर टू एक्सपेरिमेंटल सेल। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विल बी इक्वल ऑफ आर वन एंड आर टू, एंड डायरेक्टली कनेक्ट विद द टू वे की के वन एंड के टू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ की?
ठीक है, जस्ट फॉर द ऑन एंड ऑफ, ठीक है, बोथ आर डायरेक्टली कनेक्ट विथ एनी एक्सटर्नल सोर्स गैल्वेनोमीटर एंड अनदर एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट विद द जो की कैपिटल जे. स्टूडेंट वन मोर टाइम आई रिपीट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. वी हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल सच दैट वी यूज्ड आर टू एक्सपेरिमेंटल सेल. विच टाइप ऑफ द सेल? एक्सपेरिमेंटल सेल ई वन एंड ई टू. ई वन डायरेक्टली कनेक्ट विद द की के वन एंड ई टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द की के टू. के वन एंड के टू बोथ आर द की. विच टाइप ऑफ द की? दैट मीन्स अ टू वे की. एंड के वन एंड के टू डायरेक्टली कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर. वॉट इज द मीन ऑफ द गैल्वेनोमीटर? इन द केस ऑफ द करेंट वी यूज द थ्री टाइप्स ऑफ द मशीन. फर्स्ट वन वोल्ट मीटर, सेकेंड वन आ मीटर एंड थर्ड वन गैल्वेनोमीटर. वोल्ट मीटर टू डिटरमाइन द वोल्टेज, आ मीटर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर, गैल्वेनोमीटर टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट. ये जो गैल्वेनोमीटर होता है सर, अगर जो हम गैल्वेनोमीटर को बारीकी से देखें तो इन द केस ऑफ गैल्वेनोमीटर वी यूज आ इंडिकेटर, एक पॉइंटर होगा. ठीक है, पॉइंटर जो होगा वो कभी इस तरफ या कभी इस तरफ इंडिकेट करेगा. बट अगर जो पॉइंटर जीरो पर है तो उसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नल डिफ्लेक्शन. तो याद रखिएगा एट अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे. चलिए आप लेट बी कंसिडर, मान लीजिए आपको डायग्राम समझ आ गया. ए बी, वाट इज द मीन ऑफ द ए बी? ए बी दैट मीन्स अ पोटेंटोमीटर वायर. कैपिटल बी दैट मीन्स अ लीड एक्यूमुलेटर की. कैपिटल के दैट मीन्स अ की. विच टाइप ऑफ की? वन वे की. एंड आर एच दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस. ई वन एंड ई टू बोथ आर द एक्सपेरिमेंटल सेल. द ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल विल बी इक्वल ऑफ ई वन एंड ई टू रिस्पेक्टिवली. विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द की के वन एंड के टू एंड के वन एंड के टू टू वे की. ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर जी. विच डायरेक्टली कनेक्ट विद द जोकी. वाट इज द मीन ऑफ द जोकी? जोकी एक ऐसा पेन होता है, ठीक है, जो ऊपर का कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है या कोई भी नॉन मेटल यूज कर सकते हो, और बीच में से एक कॉपर का वायर होता है जिससे ये पेन का, ठीक है, नीब दिख रही है आपको, बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोकी. तो जब हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ द प्रैक्टिकल? बेसिकली टू स्टेप ऑफ द प्रैक्टिकल. फर्स्ट वन, व्हेन ई वन इज कनेक्टेड एंड ई टू इज नॉट कनेक्टेड. व्हाट इज द मीन ऑफ द ई वन एंड ई टू? दैट मीन्स बोथ आर द एक्सपेरिमेंटल सेल. बट When E1 is connected, मतलब इस वाले स्विच को ऑन करा है और इस वाले स्विच को हमने ऑफ करा है, तो सर हम इस ये जो ए बी है दैट मीन्स अ पोटेंटोमीटर वायर, इस पे जोकी को टच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड. जब हम ए के पास टच करेंगे देन वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन इन द लेफ्ट साइड. जब हम बी की तरफ टच करेंगे तो देन वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑन द राइट साइड. लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड. बट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल ऑफ जीरो, दैट मींस अ नल डिफ्लेक्शन. दिस पॉइंट आर नोन एज बैलेंसिंग पॉइंट बाय द एक्सपेरिमेंटल सेल ईवन. दैट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट. देन वी रिपीट द सेम टास्क विद द ई टू. दैट मीन्स E2 is on and E1 is off. Then we take the another time jockey touch by A side, then by B side. So, mujhe deflection milega. Then we getting another null deflection point by the E2. तो हमको यहाँ पर दो रीडिंग मिलेगी by E1 and by E2. I hope student you getting the proper conversation by the diagram. First point almost, first point complete, circuit diagram. Student, in the first topic, that means a circuit diagram. We make a circuit diagram which consists for, that means in case of the potentiometer, potentiometer wire, lead accumulator, key, resistance, E1 and E2, that means a experimental cell, K1 and K2, that means a two-way key, and G, that means a galvanometer, J, that means a jockey. Student, I written in the form AB potentiometer wire, B lead accumulator, K, that means a plug key,
वन वे की आर एच दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस, ई वन एंड ई टू दैट मीन्स अ एक्सपेरिमेंटल सेल, के वन एंड के टू दैट मीन्स अ टू वे की, जी दैट मीन्स अ गैल्वेनोमीटर एंड जे दैट मीन्स अ जो की। स्टूडेंट दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीट। नाउ वी टेक द सेकेंड पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला दैट मीन्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट इधर मत देखिए, यहाँ पे देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल ई विल बी इक्वल ऑफ रो इनटू एल। व्हाट इज द मीन ऑफ ई? ई दैट मीन्स अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, रो दैट मीन्स अ ग्रेडियंट, एंड एल दैट मीन्स अ बैलेंसिंग डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट एट अ टाइम ऑफ बैलेंसिंग और नल डिफ्लेक्शन। बिल्कुल धीरे धीरे समझिए स्टूडेंट, ई विल बी इक्वल ऑफ रो एल। नाउ टाइम टू डिटरमाइंड अ डेरिवेशन। केस नंबर फर्स्ट, लेट बी कंसिडर केस नंबर फर्स्ट, वेन ई वन इज ऑन एंड ई टू इज ऑफ। E1 is on and E2 is off. That means switch K1 is on and switch K2 is off. Now, the amount of current passing through this, amount of current will be passing through K1 from the galvanometer through the jockey. Now, we getting the balancing point. When jockey J connect from the side of A, then we getting the deflection from the left. जब हम इधर टच करेंगे from the B side, then we getting the deflection another side. अगर जो हमको पहले deflection इधर मिल रहा है तो हम जब B की तरफ टच करेंगे then we getting the deflection in another side. अगर जो B पर हमको A पर हमको deflection इस तरफ मिल रहा था तो B पर हमको किधर मिलेगा? इस तरफ। That means a deflection डिफ्लेक्शन आर ऑपोजिट। नाउ वी गेटिंग अ पॉइंट। फिर हम धीरे 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 बार बार जोकी को टच करेंगे, जोकी को हम पोटेंटोमीटर वायर AB पे टच करेंगे, देन वी गेटिंग अ सिंगल पॉइंट जहां पर हमको डिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा। डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल ऑफ 0 डिग्री। दिस पॉइंट आर नल डिफ्लेक्शन एंड दिस पॉइंट ऑल्सो नोन एज बैलेंसिंग पॉइंट। नाउ वी टेक अ रीडिंग of balancing point from the point A will be equal of L1. L1 that means a first balancing point. The distance from A will be equal of L1 by the experimental cell E1. Student, here let the first cell is having electromotive force E1 and balancing point is obtained at the distance L1. Then by the principle of potentiometer, we can write E equal to rho L. But for the first cell, E will be converted into the form of E1. Rho L will be converted into the form of L1. We getting the equation number first. Student, where rho is a potential gradient. Now, same process for another cell. That means E2. When E2 is electromotive force of second cell, whose balancing point is L2 from the point capital A. L2, when K2 is on and K1 is off, that means we working with the cell E2. E1 is off. Now we getting the another equation, E2 will be equal of rho L2. But what is the demand of question? We have to find a derivation to determine, compare electromotive force of two cell. What is the mean of the comparison? Mathematically comparison, that means a ratio. Now by equation first and second, student, by equation first and second, LHS divide by LHS, then RHS, rho L1 will be divided by rho L2, such that E1 by E2 will be equal of rho se rho cancel, then we get the L1 by L2. That means we can say
कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट, वी गेटिंग द एक्सप्रेशन ई वन बाय ई टू विल बी इक्वल ऑफ एल वन बाय एल टू. स्टूडेंट वी कंप्लीट द सेकेंड पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. डेरिवेशन we getting the derivation e1 ratio e2, that means e1 by e2 will be equal of l1 by l2, that means we need the value of l1 and l2 to determine value of e1 by e2, that means I compare the electromotive force of two cell by use of potentiometer. Now third point, we taking the third point, observation table. Observation table totally based on the मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट मीन्स ई वन बाई ई टू विल बी इक्वल ऑफ एल वन बाई एल टू. मतलब कहीं ना कहीं मुझे एल वन और एल टू दोनों मिल जाए, मैं एल वन और एल टू को पुट कर दूंगा, देन वी गेटिंग ई वन बाई ई टू. स्टूडेंट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल आर नोन एज द सीरियल नंबर. सीरियल नंबर दैट मीन्स वन टू थ्री, हाउ मेनी रीडिंग्स डिपेंड्स ऑन यूजर, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट. फर्स्ट वन, the length, what is the mean of the L1, L1 that means the first balancing point in the presence of E1, and E2 that means the second balancing point in the presence of E2, that means length of null point from E1, from E1, from the point capital A due to E1 will be equal of L1, and L1 that means the length, so SI unit of length in centimeter. Second one, L2, the length of null point, the length of null point from the point capital A due to E2 will be equal of L2, L2 that means the length, so SI unit will be equal of in a centimeter. Student, we getting the value of E1 and the value of E2, such that we know that E1 by E2 will be equal of L1 by L2. We have to put the value of the L1 L2, then we getting the value of E1 E2 first time, second time, third time, and so on. Then finally we getting the final result. Final result कैसे calculate करते हैं? By use of the mean. Mean that means जितनी भी value आएगी 1, 2, 3, if we take the three values, that means 1 first plus second plus third divided by 3 will be equal of mean. Then we getting mean E1 by E2, that is our final result. Now we taking the last point of the question, precaution any two. Two types of the precaution. First, take here B, that means a lead accumulator, and E1 E2, that means a experimental cell. ये भी cell है और ये भी cell है. इसका हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ लीड एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल सेल. याद रहेगा स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो ये कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट होना चाहिए. आप बोलेंगे सर 4 प्लस 4 मतलब 8 होता है, बट मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इंडिविजुअल, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ लीड एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल सेल ई वन एंड ई टू. फर्स्ट पॉइंट इज देयर, एंड सेकेंड पॉइंट, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल. हियर पॉजिटिव नेगेटिव ऑल पॉजिटिव टर्मिनल. ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है और सभी नेगेटिव टर्मिनल अनादर तरफ है. तो मैं क्या बोलूंगा? ऑल पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू वन साइड. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल बाय यूज ऑफ पोटेंटोमीटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, सर्किट डायग्राम. व्हेन वी स्टडी सर्किट डायग्राम, ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. देन Derivation student, in the case of the derivation, we getting E1 equal to rho L1 and E2 will be equal of rho L2. Then by equation first and second, we can say E1 by E2 equal to rho L1 by rho L2, such that E1 by E2 will be equal of L1 by L2. A simple derivation. Next, third point, that means observation table. Here
I write a observation table to determine the value of E1 and E2, then finally two precaution. That is the correct solution to compare the electromotive force of two cell. I hope student you getting 100%. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like and subscribe, and also study all subject from our channel.